ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी कीचड़ से लबालब रहने वाले गांव की गलियां आज पक्के रास्तों में तब्दील हो चुकी हैं। घरों से निकलने वाला गंदा पानी अब खेतों के लिए वरदान बनकर रह गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वाटर वेस्ट टैंक व लिक्विड वेस्ट ड्रेन ने करियाली गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जिला मुख्यालय के साथ लगती बमसन विकास खंड का गांव पंचायत सराकड़ की पहचान अब इसी के नाम से होने लगी है। जिला मुख्यालय के साथ लगती विकास खंड टौणी देवी की ग्राम पंचायत सराकड़ की पहचान एनआईटी हमीरपुर की स्थापना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। वहीं ग्रामीणों की प्रगतिशील सोच और पंचायत प्रतिनिधियों के सतत प्रयासों से इस पंचायत में सामुदायिक सहभागिता का एक नया अध्याय लिखा गया है। इस गांव को मुख्य सड़क से एक पुराना रास्ता जाता है। आसपास के घरों से निकलने वाले रसोई व बाथरूम के गंदे पानी से रास्ता लबालब रहा करता था और फिसलन होने से यहां गुजरना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव करियाली के लिए वाटर वेस्ट टैंक निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। गाँव की वृद्धा प्रभी देवी ने इसके लिए स्वेच्छा से भूमि भी दान की। गाँव के करीब 20 से 25 घर जो कि रास्ते के साथ बने हैं, वहां से निकलने वाले व्यर्थ पानी की पाइपों के माध्यम से रास्ते के नीचे बिछाई मुख्य निकासी नाली से जोड़ा गया है। प्रत्येक घर के सामने एक चैम्बर भी स्थापित किया गया है ताकि गंदगी इत्यादि फैलने पर नाली को आसानी से साफ किया जा सके। आपको बता दें कि ये निकासी नालियां गांव से लगभग 250 मीटर नीचे की तरफ निर्मित वाटर वेस्ट टैंक तक जाती हैं। इसी टैंक में इन सभी घरों का व्यर्थ पानी एकत्रित होता है और टैंक का निर्माण वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 2,31,000 की लागत तथा निकासी पाइपों पर लगभग 3,56,000 रुपये व्यय किए गए हैं। टैंक में एकत्रित पानी को निकासी व्यवस्था के माध्यम से खेतों से भी जोड़ा गया है। ऐसे में टैंक के आसपास नमी बढ़ी है और नीचे की ओर स्थित खेतों में फसल उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। स्थानीय निवासी प्रवीण कुमारी का कहना है कि उनका घर गांव के निचले छोर पर है। पहले व्यर्थ पानी रिसकर उनके घर तक पहुंच जाता था जिससे उन्हें काफी दिक्कतें होती थी। फिसलन भरे रास्ते में भी चलना मुश्किल होता था। अब व्यर्थ जल प्रबंधन ढांचा बनाए जाने से उनकी राह आसान हुई है। मेरा नाम प्रवीण कुमारी है, मैं गांव करियाली से हूं और यहां पे रास्ते का काम किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे थी, सबसे लास्ट में मेरा घर था। पूरे रास्ते का गंदा पानी जो था मेरे घर के अंदर लीक करता था, इसलिए खड्डे का काम प्रधान जी ने किया। बहुत अच्छी बात है और गांव वाले ने सहयोग दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। गांव के दिलीप सिंह व सुरजीत सिंह बताते हैं कि टैंक बनने के बाद रास्ते पर कीचड़ की समस्या से निजात मिली है, तो वहीं टैंक का ओवरफ्लो पानी खेतों में डाले जाने से नमी बढ़ी है और फसल के उत्पादन भी बेहतर हुआ है। मेरा नाम दिलीप सिंह है, गांव करियाली, और इस रास्ते का बनने का काफ़ी फायदे हैं। जैसे कि हमारे 100 फीट का पानी ऐसे रास्ते में जाता था, बाथरूम का पानी भी रास्ते में जाता, वो भी हमने कंट्रोल किया नाली के द्वारा। एक जगह हमने वो खड्डा बनाया, डीच बनाया और उसमें से इकट्ठा करके जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका पानी जो है वो किसी एक खेत में डाल देते हैं और जो उसमें जो कचरा कुचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको भी निकाल कर हम किसी एक खेत में डालते हैं, कभी दूसरे खेत में डाल देते हैं। मैं सुरजीत सिंह, गांव करियाली का निवासी हूं और ग्राम पंचायत का धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से आज यहां पे स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत जो यहां पे काम हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जो टैंक बना है जिसमें सारे मेरे ख्याल 30-40 घरों का गंदा पानी जो यहाँ आता है। ग्राम पंचायत प्रधान दलजीत सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसे पंचायत स्तर पर बखूबी अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताते हुए पंचायत में इस कार्य को सफलतापूर्वक करवाने के लिए जिला व खंड स्तर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया और ग्रामीणों की सराहना की। मैं पंचायत प्रधान दलजीत सिंह, गांव पंचायत सराकड़ का प्रधान हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्वच्छ भारत मिशन की योजना चलाई हुई है, इस योजना के तहत हमारी प्रदेश सरकार जो है जयराम ठाकुर जी, ये सरकार भी इस योजना में सहयोग कर रही है और इनके माध्यम से ये जो हमारी योजना चल रही है, इसके लिए मैं जयराम जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगा और इसका इसका जो है गांव वासियों को बहुत फायदा मिल रहा है। ये मेन रास्ता है गांव का, इस गांव के बीच में बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता था, पानी रहता था रास्तों के बीच में, आने जाने की लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये विचार आया कि क्यों ना कहीं जगह देखकर जो है इस पूरे पानी को वहाँ पर डाला जाए और नीचे जो खेती है हमारी उसको भी उसकी इरिगेशन की जा सके। फिर इसको पूरे वहाँ पर पहले हमने बेस वाटर टैंक बनाया, टैंक बनाने के बाद जो था यहाँ पर 8 इंची की पाइप जो थी वो लाए हम और पूरे रास्ते को उखाड़ा। फिर ग्रेविटी सिस्टम बनाने के बाद उस पाइप को दबाया और ऊपर बजरा डाला, बजरे के बाद ये लॉक लगा दिए और अभी पूरे 20-22 घरों का पानी जो है उस बेस वाटर टैंक में जा रहा है और रास्ते जो हैं बिल्कुल साफ हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा का कहना है कि वे पंचायत का दौरा कर यह कार्य देख चुके हैं और आने वाले समय में अन्य पंचायतों में भी इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।